गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज कुछ फार्म में कुछ नई एक्टिविटीज़ हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखें आज जनाब हमारे चूज़ों को, और ये कुछ नई चीज़ आपको ये मटके नज़र आ रहे होंगे जिनको पंजाबी में घड़े कहते हैं जी। ये मटके आज काफ़ी क्वान्टिटी में आए यहाँ पर, मतलब कि 50 घड़े आए हैं। तो घड़े आप सोच रहे हैं, घड़े लगाने का पर्पज़ ये था कि जितनी इन दिनों में गर्मी पड़ रही है ना, वो इस कदर तक है कि बर्तन में पानी डालते ही पानी गर्म हो जाता है। तो घड़े लाने का पर्पज़ ये था कि घड़ों में पानी ठंडा रहता है। ये देखिए जैसे कि ये ना, ये आप देख रहे हैं कनाली, घड़ा उल्टा किया हुआ है कनाली के ऊपर और घड़े के अंदर सुराख किया हुआ है। तो जैसे ही पानी का लेवल पूरा हो जाता है, घड़े से पानी आना बंद हो जाता है और चूज़े पीते रहते हैं। ये बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक सी प्रोडक्ट बन जाती है इस तरह से ना। ये देखें इस तरह सारे घड़े लगे हुए हैं, ये चूज़े इसमें से पानी पीते जाएंगे और घड़े से नया पानी निकलता आएगा। मैं घड़े में आपको सुराख हुआ अभी दिखाता हूँ। और ये देखें ज़रा, शान साहब चूज़ों के गिर्द घूम रहे हैं। वाह शान साहब, आपने तो बहुत चूज़े इकट्ठे किए हुए हैं। ये तो आपके सर पे भी चढ़ जाते हैं मेरे ख्याल से ना। लुकिंग वेरी नाइस यार, बहुत क्यूट लग रहे हैं। शान साहब से हेलो, हेलो कर दें जनाब। शान साहब से भी आज करीब से मिलवाएं जी। शान साहब कैसे हैं आपके चूजे सर? मज़ा आता है इनके साथ। कैसे हैं मतलब? वेरी क्यूट यार, बहुत नज़र आते हैं, साफ़ सुथरे और हेल्थी चूज़े हैं काफ़ी। खुदा इनको हमेशा ऐसे ही रखे। तो अब मैं नाज़रीन आपको पास से घड़ा दिखाता हूँ कि घड़े में हमने क्या किया हुआ है और उसके साथ क्या साइंस है। अंदर इनके बर्तन हैं, ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी लगे हुए हैं इनको बाहर करने के लिए हमने, क्योंकि ये फ्री रेंज में घूमते रहते हैं तो बाहर पानी का हिसाब नहीं था। तो बाहर हमने घड़े रख दिए, इसमें पानी ठंडा ही रहता है। तो जैसे कि आपको था पुराने दौर में घड़े यूज़ हुआ करते थे तो वो ठंडे ही रहते हैं इससे पानी। ये चूज़े घड़ों के ऊपर भी हैं। अब तो ये देखें ज़रा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ घड़े के अंदर की स्कीम। ये देखिए घड़ों में पानी डाला हुआ है और मैं आपको ये सिर्फ एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये देखिए पास से ये सुराख नज़र आ रहा है आपको, इसमें से पानी बैलेंस के साथ निकलता रहता है और ये काम चलता रहता है। ये एक सुराख काफ़ी होता है, इससे पानी बाहर आता रहता है। तो अगर आपके तो फार्म के अंदर से भी हम लोग ये भट्टी के ऊपर जनाब चूज़े काफ़ी स्टैंड अप हो चुके हैं, तो ये चलता जा रहा है। शाम का टाइम है और काफ़ी क्वांटिटी में चूज़े बाहर। इन्होंने जनाब ये देखें, आधा खेत आपको सब्ज़ नज़र आ रहा है, आधा इन्होंने खाली कर दिया, घास ख़त्म कर दी। ये भी हमने यहाँ पे हैंग किया था क्योंकि जब ये खेत में घूम रहे होते हैं चूज़े तो ऊपर से वो जो बड़े परिंदे होते हैं वो अटैक करते हैं, तो उनको देख के बड़े परिंदे अटैक नहीं करते, बहुत माइनर रह जाते हैं, अगर करते भी तो माइनर से रह जाते हैं। जैसे खेतों में खड़े किए जाते हैं वही है। गर्मी का तो बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा है, हब्स का मौसम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें ये स्टेप लेने पड़े। तो अंदर तो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है जिससे पानी इनको मिलता रहता है, वो भी आपको फिर किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो अभी माशाल्लाह चूज़े काफ़ी खुश हैं, ताज़ा पानी पी रहे हैं घड़ों में से। और ये एक मेरी टांगों के पास आ चुका है, ये देखें मेरे पैर के पास है। खौफ नहीं खाते अब ये, बिल्कुल नहीं डरते अब। ये पीछे सोसाइटी है, इवन कि हमने कई बार नोटिस किया है कि पीछे सोसाइटी में छतों पे लोग आ जाते हैं इनको देखने के लिए कि चूज़े बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर से भी आप देखें, आप लोग देखें कि क्या नज़र आ रहा है, सारा पैक लग रहा है। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से आधे होंगे जो चूज़े बाहर घूम रहे हैं और आधे अंदर होंगे, और जिनको तो आदत हो चुकी है वो अंदर जाते ही नहीं शायद। में रात जब तक नहीं होती ना, शाम अंधेरा नहीं हो जाता डार्क, तब तक ये अंदर नहीं जाते। पहले ये बाहर आते नहीं थे और अभी अंदर जाते नहीं हैं। अभी भी इससे ज़्यादा चूज़े अंदर हैं शायद के, जिनको अभी आदत नहीं, हैबिचुअल नहीं हुए अंदर आने, बाहर आने के ना। तो जब वो हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं नज़र आया करेगी आपको, सिर्फ चूज़े ही चूज़े नज़र आया करेंगे। तो ये सारा सेटअप चल रहा है जी अभी। ये देखें घड़ों की स्कीम हमारी कामयाब है। तो अब ये शान साहब के पीछे जाना शुरू हो गया अंदर, शायद ये भूखे हैं, इनको खुराक चाहिए इसलिए शान साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये देखें आप, ये कुछ सब्ज़ी खा रहे हैं। हमने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, वो कामयाब ही कामयाब था। हम इनको सब्ज़ियाँ भी डालते हैं, ला के खेत में छोड़ देते हैं और ये इसको ख़त्म कर देते हैं सब्ज़ियों को, जो भी हो कचरा शचरा जैसा भी। मुर्गियों को देसी चीज़ की तरह, जैसे घरों की मुर्गियाँ होती हैं, किचन के
जो भी आपका किचन का वेस्ट होता है उनको डाल दिया जाए तो शानदार तरीके से खा देते हैं। उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, रैदर देन कि आप आर्टिफिशियल फीड खिलाएं इनको। अगली नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं आपके साथ फीड फार्मूला भी शेयर करूँगा कि जो ये फीड खा रहे हैं वो क्या है और इसी एज में कौन सी फीड खा रहे हैं, किस तरह से बन रही है, कैसे बनती है, उसमें हमें ग्राइंडर का यूज़ करना पड़ता है, मिक्सर का यूज़ करना पड़ता है, वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको फीड का फार्मूला भी दिखाऊंगा जो फीड, और मेक श्योर कीजिएगा वो फीड का फार्मूला होगा जो मैं जो इनको डाल रहा हूँ, जो ये खा रहे हैं उनकी माशाल्लाह ग्रोथ देखें। अब ये देखें, मैं आपको पास से एक लुक दिखाता हूँ, माशाल्लाह वेरी नाइस, ये देखेंगे आप, ये मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, ये फीड वाली जिसमें हम डाल के इनको चीज़ें आगे साइड में लेके जाते हैं उसमें घूम फिर रहे हैं ये सारे। तो लाइटें जला दी अभी हमने, मगर अभी एक घंटा अभी भी लग जाएगा अंधेरा होते हुए, तो एक घंटे में इन्होंने काफ़ी इंजॉय कर लेना, जैसे ही डार्क होगा ये अंदर से लग जाएंगे। अभी भी सूरज ढलना शुरू हुआ है, डरा नहीं अभी, सनलाइट अभी भी काफ़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं, पर शायद की लाइटें हमने जला दी हैं। तो अगली वीडियो में आपको प्रॉपर फीड फार्मूला वेट के साथ, ग्रामेज के साथ, और क्या क्या डलता है, इवन उनकी शक्ल भी आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर आजकल में इनकी डिबिकिंग भी है, वो उससे अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि डिबिकिंग तो खैर फर्स्ट वीक में होती है, अब इनकी सॉरी टचिंग होगी, सबकी टचिंग होगी ताकि इनकी चूँच वगैरह है वो कट जाएगी हीटर के साथ, तो ये एक दूसरे से झगड़ा करना छोड़ दें, क्योंकि अभी इनके झगड़ने का लेवल बहुत हाई हो चुका है। ये कुछ बच्चे पूल पे नहाने आए हुए हैं तो वो भी हैं, तो ये मेरा बेटा है, कह रहा पापा इधर दिखाएं, वो पूल में नहा रहा है, माशाल्लाह लवली। यहाँ से एयरपोर्ट हमारे बहुत करीब है, ये देखें जहाज ऊपर से जा रहा है, ये ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अभी नीचे आ जाएगा। एक और बड़ी सीरियस बात, ये जहाज से बहुत डरते हैं, देखें जहाज़ की आवाज़ सुन रहे हैं तो ये भागना शुरू हो गए वापस, ये देखें जहाज़ की आवाज़ से डर जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, थैंक यू।